वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अमेजन एम्ब्रॉयडरी कुर्ती हॉल है, और ये सारी कुर्तियाँ अंडर 400 में है और एम्ब्रॉयडरी और बहुत प्यारी कुर्तियाँ सारी, और सारी कुर्तियाँ नी लेंथ तक हैं, थर्ड फोर स्लीव्स हैं, तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम इन विथ लाइव चैनल, कैसे हैं आप लोग, आप अच्छे होंगे। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अमेजन एम्ब्रॉयडरी कुर्ता हॉल है। मैंने कुछ कुर्तियाँ परचेस की हैं अमेजन से, मैं उसका रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और फ्रेंड्स, मैं बोलूंगी कि अभी 3 अक्टूबर से अमेजन फेस्टिव सेल चल रही है, तो आप लोग एक बार चेकआउट कीजिए और भर भर के शॉपिंग कीजिए। मैंने जैसे अभी मैंने बताया कि सेल चल रही थी, तो उसमें मैंने ढेर सारी शॉपिंग की, और मैं बहुत जल्दी जैसे ही वो मुझे डिलीवर हो पाए मैं सारी अपनी मैंने जितनी शॉपिंग की मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने काफ़ी मेकअप प्रोडक्ट्स और कुर्ता सेट, साड़ियाँ और काफ़ी चीज़ें ली हैं, मैं सबका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज ये जो मैंने सारे एम्ब्रॉयडरी कुर्ते लिए हैं मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी, और सब काफी कलरफुल है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे, शादियां भी स्टार्ट हो जाएंगे, और कई फंक्शन हमारे घर में होते ही रहते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने कुर्तियां परचेस की, और ये एम्ब्रॉयडरी कुर्तियां हैं, और ये अंडर बजट है। ऐसा नहीं है कि एम्ब्रॉयडरी तो बहुत कॉस्टली होंगी, और ये आई थिंक सारी अंडर 400 है, और काफी अच्छी है, लुक वाइज अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, फैब्रिक सबका बहुत अच्छा है। तो मैं इसका आपको वन बाय वन करके इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बोलूंगी अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जो फर्स्ट कुर्ता मैंने लिया है वो देखिए कितना प्यारा है, कलर इसका कितना प्यारा, देखिए पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और ये स्काई ब्लू कलर में है, और ये मैंने मीडियम साइज लिया। जैसे मुझे स्मॉल मीडियम साइज आता है, हर ब्रांड का अपना एक साइज होता है, तो कुछ कुर्ते मुझे स्मॉल साइज के लगते हैं कुछ ब्रांड के, और कुछ ब्रांड के मुझे मीडियम साइज लगता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसमें साइज, और मैं बोलूंगी कि उसमें साइज चार्ट दिया रहता है, आप उसके अकॉर्डिंग चूज करके ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सब ब्रांड का अपना अलग अलग साइज होता है, तो उसमें इसलिए जब आप शॉपिंग करेंगे उसमें नीचे दिया रहता है साइज, तो साइज चार्ट दिया रहता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग साइज का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि मुझे कौन सा साइज लगेगा, मीडियम लू स्मॉल लू, तो साइज चार्ट के अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही प्यारे हैं सारे कुर्ते, कलर सबका बहुत प्यारा, देखिए ये स्काई ब्लू कलर में है, ये अगेन ये कॉलर नेक में ही है। जैसे सबको पता है कि मैं मोस्टली कॉलर वाली ही कुर्तियां पसंद करती हूँ, पहनती हूँ, इसलिए अगेन मैंने कॉलर वाली ही कुर्ती ली है। देखिए इसका जो एम्ब्रॉयडरी है कितना प्यारा है, और मल्टी कलर में बोल सकते हैं, सारे कलर यूज किए हुए होंगे, देखिए आपको अच्छा। और स्लीव्स इसका थर्ड फोर्थ स्लीव है, और ये प्योर कॉटन है, इसको आप चाहेंगे तो विंटर में भी पहन सकते हैं, समर में भी, हर सीजन के लिए, जैसे कॉटन के जो कपड़े रहते हैं वो तो हर सीजन के लिए बेस्ट होते हैं। और इसका जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव है, और देखिए इन्होंने स्लीव्स पे भी सेम एम्ब्रॉयडरी कर रखी है जो एम्ब्रॉयडरी इन्होंने फ्रंट पे नेक पे कर रखी है, और नेक पे भी ऐसा नहीं है। और ये कुर्ती 350 में है, 350 के अकॉर्डिंग इस पे काफी अच्छा एम्ब्रॉयडरी है, देखिए पूरा अच्छे से पूरे नेक पे काफी अच्छे से किया है, और मुझे बहुत प्यारी लगी थी तो मैंने इसलिए ले लिया है। इस कुर्ती में सारे साइज अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट कलर सारे स्काई ब्लू भी ही हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने स्लीव्स बताया, और प्लस पॉइंट क्या है, ये अगेन ये भी शेरवानी स्टाइल में है, फ्रंट से इन्होंने कट है, ये देखिये नीचे भी इन्होंने एम्ब्रॉयडरी अच्छे से कर रखी है, और सेम जो ऊपर स्लीव्स पे है सेम एम्ब्रॉयडरी इन्होंने नीचे दे रखी है, जिससे कुर्ती का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्रंट पे नेक पे ही एम्ब्रॉयडरी कर दी, बाकी नहीं, उन्होंने स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडरी दी और नीचे भी दी है, तो कुर्ता काफी अच्छा है। ये जैसे मैंने बताया कि मीडियम साइज में लिया, सारे साइज अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। और कपड़ा इसका बहुत अच्छा, जो फैब्रिक है इसका प्योर कॉटन है, और कलर भी देखिए कितना प्यारा है, स्काई ब्लू, इस पे आप पिंक या फिर व्हाइट कोई भी पैंट प्लाजो पहनेंगे तो बहुत ही खिल के आएगा। देखिए मुझे तो जैसे मैं पहन के ट्राई कर दिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट कुर्ती मेरी ये थी, फिर मैं आपको सेकंड कुर्ती दिखाती हूँ। सेकंड कुर्ती जो है वो भी अगेन मैंने कॉलर नेक में ही ली है, ये देखिए इसका भी ये कॉलर नेक में है, फ्रंट पे इन्होंने ये बटन और एम्ब्रॉयडरी कर रखा है नेक पे, और ये नेक पे देखिए कॉलर नेक पे भी ऐसे चाइनीज कॉलर जैसा होता है, सेम मैरून कलर की पाइपिंग लगा रखी है इन्होंने,
और ये बटन्स दे बटन्स क्या है, ऐसे पॉम्पोन्स टाइप, उन्होंने ये जिस फैब्रिक का ये कुर्ता है सेम उसी फैब्रिक का इन्होंने ये पॉम्पोन्स बना रखा है। और देखिए फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है और ये लगा रखा है, बस नेक पूरा नहीं ओपन होगा, इतना ओपन होगा, इजिली नेक चला जाएगा आपका। स्लीव जो है इसकी थर्ड फोर्थ है और मैरून कलर में इसी सेम नेक पे जो उन्होंने फैब्रिक से या थ्रेड से जो वर्क किया है सेम उसी को ध्यान में रखते हुए स्लीव पे उन्होंने ये स्ट्रिप से लगा रखी है। और नीचे और इसका भी कपड़ा प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा है ये भी, और ये भी अंडर आई थिंक 400 के अंडर ही में ही है, मुझे एग्जैक्ट इसका याद नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और देखिए साइड कॉर्नर पे सेम जैसे मैंने एक पहले इससे पहले अंडर 400 कुर्ती का रिव्यू शेयर किया था वो सेम सेम उसी ब्रांड की जो येलो कलर की थी, नेक पे एम्ब्रॉयडरी था, स्लीव्स पे था, और साइड में सेम साइड में भी देखिए बटरफ्लाई सा बना रखा है जो ग्रे और रेड कलर के थ्रेड से कर रखा है इसमें, ये पूरा थ्रेड वर्क है, तो थ्रेड वर्क खत निकलता भी नहीं, खराब भी नहीं होता, तो काफी अच्छा रहता है। और आप इसको चाहे मशीन वॉश करिए, हैंड वॉश करिए, चाहे जैसे करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे निकलने वकलने का इशू नहीं है। और थ्रेड एम्ब्रॉयडरी जो होती है वैसे भी अच्छी होती है, देखिए बटरफ्लाई से ग्रे, देखिए कितना अच्छा सा इन्होंने और बहुत नीटली इन्होंने ये बटरफ्लाई से बनाए हैं, थ्रेड से पूरी एम्ब्रॉयडरी की है, बहुत नीटली इन्होंने ये बटरफ्लाई जो बनाया है थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की है, जिससे कुर्ती का लुक और भी थोड़ा यूनिक और डिजाइनर लग रहा है। तो ये कुर्ती के लिए मैं बोलूंगी कि आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, ये कुर्ती बहुत अच्छी जैसे मैंने बताया प्योर कॉटन में, भी मैंने मीडियम साइज में ही लिया है और इसको आई थिंक क्रिमिश कलर में है, ये व्हाइट कलर में नहीं बोलोगे इसमें, इसको क्रिमिश कलर में है ये। और साथ में ये जो इन्होंने रेड का कॉम्बिनेशन रखा है ये इस पर बहुत अच्छा आ रहा है, अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं इमेज भी साइड में लगा दूंगी। मैं जो थर्ड कुर्ती है वो अगेन वो भी बहुत प्यारी है, मुझे ये कुर्ती बहुत प्यारी लगी थी, ये भी देखिए अगेन ये मैरून कलर में है, और ये भी अगेन बहुत प्यारी कुर्ती है, ये भी कॉलर नेक में ही है, फ्रंट से ओपन है, और ये व्हाइट कलर में कुछ बटन्स लगा रखे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं पूरा एम्ब्रॉयडरी कर रखा है क्रीम कलर के थ्रेड से, ये भी थ्रेड वर्क का ही है पूरा एम्ब्रॉयडरी, बहुत देखिए आप नेक पे पूरा एम्ब्रॉयडरी कर रखा है, और इसका भी कॉटन थ्री स्लीव्स है, और ये भी प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन इसका भी कपड़ा, सारी कुर्तियां कॉटन फैब्रिक में ही है। और देखिए स्लीव्स पे भी उन्होंने काफी चौड़ा सा अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी कर रखा है, सेम जो उन्होंने नेक पे किया है सेम एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे भी यूज किया, देखिए कितना अच्छा और बहुत नीटली। और इस कुर्ती को तो आप किसी पार्टी में भी पहन के जा सकते हैं, इसके साथ एक थोड़ा सा कोई हैवी दुपट्टा ले लेंगे या साथ में प्लाजो या पैंट कुछ पहन लेंगे तो बहुत प्यारी लगेगी ये कुर्ती पहनने के बाद। तो मैं इस कुर्ती को भी बोलूंगी कि एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है ये कुर्ती, मैंने स्मॉल साइज में ली है और ये आयुक्ता ब्रांड से है, ये भी मैंने स्मॉल साइज में ली है, मैरून कलर में है ये, और एमआरपी इसका 1299 है, बट ये भी मुझे 400 समथिंग में मिल गई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और साइड में जैसे मैंने बताया कि जो सेम थ्रेड से उन्होंने स्लीव्स पे और नेक पे एम्ब्रॉयडरी कर रखा है सेम उन्होंने साइड में ऐसे ऐसे लाइनिंग लगा रखी है बोथ साइड, जिससे कुर्ती का लुक और भी अच्छा आ रहा है। और अंडर 400 में ये बहुत प्यारी कुर्ती है, क्योंकि आप जैसे देखिए बहुत अच्छे से और काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, और मैरून के साथ जो इन्होंने ये थ्रेड यूज़ किया है कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है। तो मैं बोलूँगी कि एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, मैं इस कुर्ती का भी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाय द वे किसी को अच्छा लगता है तो वहाँ से जाके ले सकता है। तो मैं आपको लास्ट कुर्ती दिखाती हूँ जो मैंने तवस्या ब्रांड से ली है, ये आप ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये आप डेली यूज में पहन सकते हो, बट लुक वाइज ये कुर्ती भी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली थी। इसका कलर वाइट और स्काई ब्लू कॉम्बिनेशन में है, बहुत प्यारी कुर्ती है ये। और तवस्या ब्रांड के जितने कपड़े हैं उनका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है, मैंने कई कुर्तियाँ इनकी यूज़ की हैं, और एज इट इज़ रहता है, ना कलर जाता है ना फैब्रिक थोड़ा बहुत रफ होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये भी अगेन 1699 का है, बट ये मुझे 400 समथिंग में मिल गई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और फ्रंट पे ये देखिए पूरा प्लेन है सामने से, और साइड साइड में इन्होंने ये प्रिंट वाइट कलर का प्रिंट कर रखा है, और ये देखिए टैग करने के लिए इन्होंने ये दिया है, तो जिसमें बीच में ये देखिए इन्होंने ये टैग करने के लिए दिया है, जैसे पहनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे किसी ने ऊपर से, क्योंकि फ्रंट पे प्लेन है साइड साइड से
प्रिंट कर रखा है और ये भी फ्लोरल प्रिंट आप इसको बोल सकते हो, बहुत अच्छा प्रिंट कर रखा है। तो आएगा तो लगेगा कि जैसे आपने श्रग अलग से पहन रखा है। बैक में भी देखिए सेम प्रिंट उन्होंने किया है और बीच में सेंटर में उन्होंने देखिए जैसे मैं दिखाती हूँ प्लेन है। और इस कुर्ती में पॉकेट भी है, प्लस पॉइंट इस कुर्ती का ये भी है, ये देखिए इस कुर्ती में पॉकेट भी है। तो अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। कलर भी इसका अच्छा है, समर फ्रेंडली है, लाइट कलर है ना बहुत डार्क है, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। नेक इसका राउंड नेक है और स्लीव्स इसकी देखिए, इसकी भी 1/3 स्लीव्स है, तो ये भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। डेली यूज़ में भी आप इसको पहन सकते हैं। बाय द वे वाइट प्लाजो के साथ पहनेंगे, कोई हैवी दुपट्टा ले लेंगे तब भी ये कुर्ती बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। और सारी कुर्तियाँ आप बोल सकते हो सिंपल, ट्रोवर और डिज़ाइनर हैं। तो अंडर 400 में इतनी प्यारी कुर्तियाँ मिल रही हैं, तो मैंने तो ले लिया। आप लोग एक बार चेकआउट कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग लीजिएगा। तो मैं बोलूँगी कि फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा, जैसे मैंने बोला कि तवस्या ब्रांड से लिया है, ये भी मैंने स्मॉल साइज में ही लिया है इसको। और अगेन जैसे मैं बोलूँगी कि ये कुर्ती बहुत प्यारी है, डेली यूज़ में अगर कंफर्टेबल आपको फील करना है तो इसके इन सब में से कॉटन फैब्रिक तो सबका है, बट ये बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छी है, डेली यूज़ में भी आप इसको पहन सकते हैं। तो आप चारों कुर्तियों को डेली यूज़ में पहन सकते हैं, किसी फंक्शन में पहन सकते हैं या किसी पार्टी में भी आप जाएंगे तो अगर नीचे बॉटम में कोई हैवी सा प्लाजो पहन लेंगे और हैवी सा दुपट्टा ले लेंगे तो सारी कुर्तियों का बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तो कौन सी कुर्ती आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी है। थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।